सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2023 का आज शंखनाद कर रहे हैं और ये एक चुनाव की केवल बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भविष्य की बात है। जब मैंने प्रियंका जी को आमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगी आप, उन्होंने कहा मैं तभी आऊंगी जब सबसे पहले मैं नर्मदा की पूजन करूं। ये प्रियंका गांधी जी की शर्त थी। मुझे यहां आके 45 साल पहले की सड़कों में घूमने का, जबलपुर की सड़कों में घूमने का याद आती है, मुझे यहां आकर अपनी जवानी की भी याद आती है। ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे गर्व है प्रियंका जी कि आप वहां आई हैं, जबलपुर आई हैं, जो संस्कारधानी है। केवल संस्कारधानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति धानी है। हमारी जो संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आज भारत क्या है? भारत ऐसा देश है जैसा कोई विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने देवी देवताएं हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्म को भी जीवित किया, अन्य धर्म को जीवित किया। आज मेरा दिन नहीं है, आज प्रियंका गांधी जी का दिन है और आप सब प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ज्यादा देर परेशान नहीं करूंगा। प्रियंका जी, हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये उसकी राजधानी है। धर्म धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है, ये प्रचार का विषय नहीं है, राजनीतिक मंच में लेती है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये सबसे बड़ी बात है। पंद्रह साल बाद दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कैसा प्रदेश उन्होंने मैं सौंपा, प्रियंका जी ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर वन, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? 15 महीने हमारी सरकार चली, सौदेबाजी से हमने उन्होंने हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। मैं मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सौदा नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह जी ने पिछले 3 सालों में हमें दिया। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया और एक और बहुत दी, घर घर में शराब दी शिवराज सिंह जी ने। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। मैं शिवराज सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उन्हें हरा नहीं सकता नाचने में,
मैं शिवराज सिंह जी को गाने में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हटा सकता हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में, मैं हरा सकता हूं। ये शिवराज सिंह जी की आज मैं चुनौती देता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, मध्य प्रदेश का भविष्य के चुनाव है। और आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं नौजवानों को देख रहा हूं, इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहां आज। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, आज का बेरोजगार नौजवान इसकी अपनी सोच है, आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि 5 महीने बाद कमलनाथ को मत देखना, कांग्रेस को मत देखना, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लेना और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपने मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे जबलपुर में तो 4 विधायक हैं और आगे आने वाले चुनाव में मुझे इसका पूरा विश्वास है कि पूरा जबलपुर जिला और जबलपुर कैंट और जबलपुर शहर का झंडा हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जबलपुर के मेयर, हमारे चारों विधायक मनु तरुण जी, लखन जी, दिनेश जी, विवेक तनखा जी, ये सामूहिक रूप से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगी।